आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पहले प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें बनाना है टेट्रा एमीन क्यूबिक सल्फेट, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। और इसको बनाने से पहले सब बच्चों के पास इस तरह की एक फ़ाइल होनी चाहिए। ये फ़ाइल बाज़ार में मिलती है, किसी भी कंपनी की आप फाइल ले सकते हैं। और जब भी हम इसको बनाएंगे तो इसमें एक तरफ तो पन्ना लाइनिंग वाला है, खाली रहना चाहिए, और एक तरफ बिल्कुल ब्लैंक पन्ना है। इस ब्लैंक पन्ने पर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जो भी डायग्राम बनाना होगा, कोई समीकरण बनानी होगी तो वो इस पे लिखेंगे, और इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन या थ्योरी हम जो लिखेंगे वो इस पे इस वाले पेज पे लिखेंगे। तो इस प्रकार की एक फाइल आप बाज़ार से ले लें और जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल लिखेंगे, और जब भी आप कॉलेज खुलेंगे तो ये फाइल आप लाएंगे और अपने टीचर से इसको साइन कराएंगे। टेट्रा एमीन क्यूबिक सल्फेट लैब में मौजूद होता है, इसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, और ये लाइट ब्लू रंग के क्रिस्टल के रूप में मिलता है। देखिए आप, लाइट ब्लू रंग का क्रिस्टल है, इस तरह का एक क्रिस्टल है जो हमें दिखाई देता है। और इसको हम क्या करेंगे, जब भी बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक बैलेंस जो लैब में होता है, डिजिटल बैलेंस है। इस डिजिटल बैलेंस पे एक फिल्टर पेपर या कोई पेपर में अपन इसको रखेंगे इसे, और इसका वजन लेंगे 3 से 4 ग्राम मात्रा हम इसकी लेंगे, और इसका वजन लेंगे। देखिए मैं इसको वेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे काम करते हैं। और इसका जब हमने वेट लिया तो इसका वेट जब 3 से 4 ग्राम हो जाता है तो हम उसको एक खाली बीकर में, शुष्क बीकर में हम उसको डाल देते हैं। इस तरह का हमारे पास एक खाली बीकर में इस तरह का 3 से 4 ग्राम पदार्थ आ गया है। उसके बाद हम इसको जल की अल्प मात्रा में, जल की अल्प मात्रा का मतलब केवल उतनी मात्रा लेनी है जिसमें ये डिजोल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरा आधा भर लें या पूरा बीकर भर लें, कम से कम जल में इसको घोलें और इसको अच्छी तरह शेक या इसको हिलाते जाएं, उसको डिजोल्व करते जाएं। देखिए अधिकांश पार्ट ये घुल गया है, और हम थोड़ा सा जल की मात्रा और ले लें ताकि ये पूरे क्रिस्टल इसके घुल जाए और एक पूरा डिजोल्व पार्टिकल हमें मिले, पूरा घुला हुआ पदार्थ हमें मिल जाए। बैलेंस का काम हमारा ख़त्म हो गया है, हम बैलेंस अलग जगह रख देंगे ताकि हमें डिस्टर्ब नहीं करें और हम ये सॉल्यूशन पूरा बना लेंगे। अगर फिर भी ये नहीं खुलता है तो हम इसको हल्का सा, हमारे पास ये बर्नर लगा हुआ है और ये एस्बेस्टोस की जाली है, हम इसको इस पे लगा कर इस प्रकार से इसको गर्म कर सकते हैं ताकि ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा। इस प्रकार हम ये अपना सॉल्यूशन बना लेंगे। अब हम, हमारे पास लेबोरेटरी में एक अमोनिया लीकर है, लिक्विफाइड अमोनिया है, जिसे हम अमोनिया सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस सॉल्यूशन को हमें बड़ी सावधानी से यूज़ करना है। जब भी हम इसको खोलेंगे तो जिस जगह खिड़की हो या कोई ऐसी जगह जहाँ हवा आती जाती है वहाँ खोलना है, और हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर ही इसको खोलना है, इसको बनाना है। आप इसको बंद कमरे में नहीं यूज़ करेंगे, आप इसको बनाएंगे। और आप अपने को क्या करना है, इससे 3 से 4 मात्रा हल्की सी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, और देखिए जैसे मैं इसको डाल रहा हूँ, देखिए क्या होता है, ये सॉल्यूशन गाढ़े गाढ़े रंग में परिवर्तित हो गया है और हमें पीकॉक फेदर, मोर के पंख समान क्रिस्टल प्राप्त हो गए। इसी हम डालते हैं टेट्रा एमीन क्यूबिक सल्फेट का एक सॉल्यूशन, देखिए बन रहा है, गाढ़ा पदार्थ हो गया है बिल्कुल। इस तरह का एक गाढ़ा सॉल्यूशन हमारे पास प्राप्त हो गया है जिसमें क्रिस्टल बन गए, और इन क्रिस्टल को और अच्छी तरह हिला के मिला लेंगे तो हमें गाढ़े रंग के पीकॉक फेदर या मोर पंख समान हमें क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इन क्रिस्टलों को हम किसी कीप के माध्यम से या फिल्टर पेपर के माध्यम से यूज़ करके छान के पृथक कर लेंगे, और जिस प्रकार हमने क्यूबिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट को हमने तोला था बैलेंस में, जो हमारे पास बैलेंस था डिजिटल बैलेंस, उस प्रकार के क्रिस्टल से हम उनको छान के तोड़ लेंगे और अलग कर लेंगे। इस प्रकार ये हमारा जो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है टेट्रा एमीन क्यूबिक सल्फेट प्राप्त होता है, और सुई आकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे जिन्हें हम छान लेंगे, ओवन में इनको सुखाएंगे और तोड़ लेंगे। इस प्रकार ये आपका पहला प्रैक्टिकल है जो बीएससी पार्ट थर्ड के लिए है। इसके लिए आप इस फाइल में एंट्री करेंगे और जो खाली पेज इसमें दिया है फाइल में, उस फाइल में आप अपना एंट्री रखेंगे, और इस प्रकार आप क्वेश्चन लिखकर, आपका जो क्वेश्चन है टेट्रा एमीन क्यूबिक सल्फेट कैसे बनाएंगे,
उसके बाद पश्चात आप लिखेंगे जो जो रिएजेंट आपके काम आएंगे उन रिएजेंटों का नाम लिखेंगे, जैसे क्यूप्रिक सल्फेट है वो 4 ग्राम लिखना है, लीटर अमोनिया आपको 3 से 4 ml मात्रा लिखनी है, और जल की अल्प मात्रा भी आपको इसमें लिखनी है। उसके पश्चात इसको बनाने की विधि, हमने कैसे बनाया, तो जिस प्रकार हमने इसको बनाया उसको अपनी ही भाषा में, साधारण भाषा में आपको लिखना है, और अंत में उस कितनी ग्राम मात्रा वो हमें बना, कितनी ग्राम मात्रा में वो प्राप्त हुआ, उसको फिल्टर पेपर पे छान करके सुखा कर तोलने के बाद जो मात्रा आई वो उतने क्रिस्टल हमें प्राप्त हो गए हैं, और उस क्रिस्टलों को हम उस लब्धि के में लिख देंगे, वो ग्राम में आती है या मिलीग्राम में आती है वो मात्रा लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रैक्टिकल बीएससी पार्ट 3 के लिए हो गया है। इसको आप अपनी फाइल में बना लें, और जब भी आप कॉलेज आएंगे तो आपका जो संबंधित टीचर है उसको आप इसको दिखाएंगे, और आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा।